हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे, होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, कल रात यहाँ बारिश हुई थी और मौसम देखिए अभी सुहाना हो रहा है। ये देखिए, तो ये सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम भी मौसम सुहाना बना हुआ है। दोस्तों, मेरी लाइफ तो ये जब से मैं हैंडीकैप हुआ हूँ, घर की चार दीवारी के अंदर कैद जैसी रह गई है। बाहर मेरा निकलना बहुत कम हो पाता है, इसलिए घर के अंदर ही रहकर छोटे छोटे वीडियो बनाता रहता हूँ। और कभी मौका लगता है बाहर जाने का तो बाहर जाता हूँ, बाहर जाके वीडियो बनाने की। अब मेरा कोई यार दोस्त है नहीं, आपको पता है, सारे वीडियो देखे होंगे अपने, मेरे अकेला ही नज़र आता हूँ। कोई यार दोस्त, कोई रिलेटिव है नहीं कोई मुझे बाहर ले जाए घुमाने फिराने। मैं YouTube में वीडियो बना रहा हूँ, सोचता हूँ मेरा चैनल अगर ग्रो कर जाता तो गाड़ी वाड़ी ले लेता, फिर आपको अकेले ही जाके हल्द्वानी, जहाँ मैं रहता हूँ हल्द्वानी की फेमस प्लेसेस, हल्द्वानी नैनीताल के फेमस प्लेसेस, अकेले ही जाके आपको घूम घूम के दिखाता रहता। बट आप तभी तो आपसे आप लोगों से कहता हूँ, मैं मुझे सपोर्ट कीजिए, उसके मेरा समर्थन कीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो करे और मैं थोड़ा वो हो जाऊँ, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। गाड़ी वाड़ी ले लेता तो यहाँ वहाँ घूम के बनाता रहता, अभी कोई साथ देने वाला है नहीं मेरा, इसलिए घर के अंदर ही अभी फिलहाल छोटे छोटे वीडियो बना के आपको मनोरंजन करता रहता हूँ। और बीच बीच में मौका लगता है तो बाहर जाके भी बनाता रहता हूँ। अभी इलाका देख लीजिए आप, कितनी कम आबादी वाला इलाका है, दूर दूर तक मकान नजर आ रहे हैं और पेड़ ही पेड़ हैं। देखिए, आम का बगीचा दिख रहा होगा आपको, आम आने लग गए इसमें आजकल, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, कुछ जैसे बने बैठे हैं। और एक खेत हैं गेहूं के, अभी हाल ही में इनमें कटाई हुई थी, इनकी कटाई हुई थी गेहूं की। दूर तक खेत नजर आ रहे हैं, वो है मेन रोड, खेत के उस पार जहाँ गाड़ी चलती हुई नजर आ रही होंगी आपको। और देखिए इस तरफ पे पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ नजर आ रही होंगी, जंगल है उस तरफ, जंगल के उस पार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूँ, ये हैंडीकैप होने के बाद मैं, मेरे क्लॉथ्स क्या रहते हैं, क्या पहनता हूँ मैं। आपने ज़्यादातर नेकरों में दिखा होगा मुझे शॉर्ट्स में या नेकर में ही वीडियो बनाते हुए, उसका कारण क्या है और क्या पहनता हूँ आजकल, वो सब बताता हूँ। ये दोस्तों, अब तक दोस्तों फिर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। ये दोस्तों, आपको बताता हूँ आज के वीडियो में। दोस्तों, ऊपर मैं पहनता हूँ ज़्यादातर टी शर्ट या कभी कभी शर्ट, आपने यही पहनते हुए देखा होगा मुझे ज़्यादातर वीडियो में मेरे। और दोस्तों, नीचे मैं पहनता हूँ पैंट, तो नेकर या शॉर्ट्स, जो मैंने अभी पहन रखा है ये शॉर्ट्स, देखिए ये शॉर्ट्स पहन रखा है मैंने अभी। और उसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ भी आपको। ये देखिए दोस्तों, मेरी पुरानी पैंट है, उसका रीज़न ये, मेरी पुरानी पैंट है, पुरानी पैंटों में से एक पैंट है ये। और मैं पैंट पहनता हूँ तो मेरा ये पायचा, ये नकली पैर जो बनवाया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको निकाल के। ये देखिए, ये नकली पैर है मेरा, आर्टिफिशियल लेग। ये पैंट का जो नीचे का पायचा है, ये इसके अंदर फिट नहीं जाता, इसके अंदर नहीं जा पाता ये देखिए, छोटा बड़ा है, ये दिख रहा होगा आपको, ये फिट नहीं हो पाता, इसके अंदर नहीं जा पाता, इस वजह से मुझे नेकर और शॉर्ट्स पहनने पड़ते हैं।
मेरी पुरानी सारी पैंट है, सारे लोअर्स बेकार हो चुके हैं ये पैर की वजह से, इसके अंदर क्योंकि जा नहीं पाते हैं, इसलिए मुझे नेकर और शॉर्ट्स ही पहनने पड़ते हैं फिलहाल। और ऊपर मैं यही पहनता हूँ, आप पहनते देखते होंगे मुझे हर वीडियो में, ये शर्ट है इस तरह की, ये बिना कॉलर वाली, बिना वाली कॉलर वाली, और कभी कभी शर्ट पहन लेता हूँ दोस्तों। अभी तो फिलहाल यही पहनता हूँ मैं, अब मेरे नए कपड़े सिलाने पड़ेंगे टेलर के पास जाके, नाप वाप दे के पैंटों का, जब टेलर नाप लेगा तो उस साइज़ के हिसाब से नए कपड़े बनाएगा मेरे। ऊपर के तो सही है फिलहाल, पर नीचे के लिए पैंट वेंट नाप दे के बनवानी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा। आज का वीडियो में इतना ही, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय।